दिल्ली जावांगे मोदी का दौर है मोदी का तेल चढ़ा के आवांगे और बराती मारेगी लारी है ठीक है उन्हें जाकर समझा दियो नो चो तो तीन मांग पूरी कर दे ना तो तेल चढ़ाना रही भी बराती भी गेल ले रही है। आज की ये ट्रैक्टर रैली है जो ये ट्रैक्टर रैली एक सेंटर की सरकार को हम ट्रेलर दिखा रहे हैं कि आज देश का पूरे देश का किसान है जो दिल्ली के चारों तरफ बैठा है उसे ये दिखाने के लिए आज हमने ये मार्च निकाला है। पूरे दिल्ली के सारे बॉर्डर जितने भी हैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की ओर हमने ये मार्च निकाल के उसे ये साबित कर दिया है कि आज अकेला पंजाब का किसान इस रोड पे नहीं है, आज पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। वो दिखा दिया है और उसको बताया है कि जो 26 जनवरी का मार्च है जो 26 जनवरी दिल्ली में मनाई जाएगी उसमें जो किसान भी अपना ये मार्च निकालेगा उसका हमने ट्रेलर दिखाया है। ये हमारा रिहर्सल है। अपना हक लेकर आएंगे हम, ठीक है। हम मोदी से डरते नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पड़े हैं, ठीक है, और लेकर आएंगे। हाँ, अपना पानी हम बारे, हमारे बच्चे यहाँ पड़े हैं, अपना हक लेंगे हम। हक लेने का खतरा चाहे दो महीने और लग जाओ, ठीक है, हाँ लेंगे। मोदी जी कई बार मन की बात करते हैं लेकिन किसान भी अपने दिल की बात करना चाहता है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये जो बिल बनाए हैं ना वापिस ले लो, मजबूर मत करो, परीक्षा मत लो किसान की। इतना खुशहाल नहीं है किसान जितना समझ रहे हैं। अगर नहीं माना तो 26 तारीख ना अंदर भी आवांगे, परेड भी करांगे। अगर जान देनी पड़ी तो जान भी देने तैयार है। हम ना मरना है वहाँ मरांगे, घर पर मरांगे, यहाँ भूखे मरना है वहाँ लटका मरांगे। हम जी ये तीनों काले कानून की वजह से आए हैं, ये जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। आज ये हम आज रोड मार्च करेंगे जी पूरा दिन, इसी वजह से यहाँ जा। तो ये किस लिए है? सरकार के साथ बात चल रही है लेकिन जी हमारा फैसला तो नहीं हो रहा जी। जिस दिन फैसला हो जाएगा उस दिन हम वापस चले जाएंगे। हमारी तीनों कानून सरकार मान लेगी उसी दिन हम चले जाएंगे, कोई वो नहीं है जी। मैं अखाड़ा चलाता हूँ, रेसलर हूँ, यहाँ किसान किसानी करते हैं हम। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे दादा किसान थे। मोदी सरकार ये तीन काले कानून लाई है, इनको रद्द करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं किसानों के समर्थन में और करवा के जाएंगे। आपके साथ कितने और लोग आए हैं? ये तो हजारों में आ रहे हैं, 400-500 ट्रैक्टर आए हैं हमारी खाप के, राठी खाप के, इनकी खाप के हैं ये तो। हाँ जी, और आए कद्दण खाप के, ये तो सारा हरियाणा उठ के आ रहा है, राजस्थान से भी आ रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा बताइए कि खिलाड़ी क्यों इसके साथ है, ये किसानों के साथ? खिलाड़ी किसान के बेटे हैं जी, किसान है तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी है तो किसान है, किसान है तो खिलाड़ी है, इसलिए साथ आए हैं। पहले 20 तारीख को आए थे हम, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर मिला कि साहब आप ट्रैक्टर लेके किसानों को और लेके आओ। अच्छा, हम वहाँ वापस गए। हाँ, चार पहले दिन गए 4 तारीख को और 6 तारीख को वापस किसान साथ में 20-25 आदमी लेके, वहाँ से फिर 2 ट्रैक्टर लेके चलते।